आपको सीधे ले चलते हैं गोड्डा, जहाँ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सरकार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है। कोई कह सकता है बहुत सारे काम हो गए, कुछ छूट गए, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का कद ऊंचा हुआ है। मेरे रहने वालों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की वक्तव्य को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आधार के मामले में, मनमोहन सिंह जी 2004 में प्रधानमंत्री बने, उस समय दुनिया में धन दौलत के मामले में हमारा यह भारत दुनिया में 2004 में 11वें स्थान पर। 10 साल तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, उसके बावजूद 2014 तक हमारा भारत पूरी दुनिया में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर ही रहा, 1-2 पॉइंट भी ऊपर जंप नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी ने कहीं भाई जो दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर रहा था, वो जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंचे। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल इस बात का दावा कर रहे हैं कि सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत है, यानी सर्वाधिक तेजी से धनवान यदि कोई देश हो रहा है तो भारत है। और उनका कहना है भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ दिन दूर नहीं है, 3 साल के बाद ही यानी 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। अमेरिका और चीन के बाद तीसरा देश इस दुनिया में कोई होगा जो हमारा भारत होगा। बहनों भाइयों, ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा रूस और यूक्रेन के बीच 2 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा है, बराबर उधर से भी मिसाइल बम गोले तो सब चलाए जा रहे हैं रूस की तरफ से भी यूक्रेन की तरफ से। लेकिन जब यह लड़ाई शुरू हुई थी दोनों देशों के बीच तो हमारे बहुत सारे भारत के बच्चे, कोई वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, उनके माता पिता जो यहाँ भारत में रहते थे उनको इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का, कोई बम मिसाइल आकर गिर गई तब तो हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाएगी। तब वह रोज आंखों में आंसू लेकर वो लोग हमारे प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा प्रधानमंत्री ने वहां के रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और आपको जानकर खुशी होगी, गौरव को अनुभूति होगी, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,000 भारत के बच्चे लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अथवा एनडीए की सरकार बनेगी, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जो व्यवस्था चली आ रही है बहनों भाइयों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह आदिवासी भाइयों के लिए भी उत्थान का काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है यानी उसी में गणना कराना शुरू करूं एक लंबा समय लगेगा। गरीबों के उत्थान और आज तक दुनिया में जो काम नहीं हुआ वह हमारी सरकार ने किया है मोदी जी के नेतृत्व में। आपको आश्चर्य होगा कि 10 वर्षों के अंदर भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए, 25 करोड़ लोग। दुनिया में यह कहीं नहीं हुआ है, हुआ है तो केवल और केवल भारत में हुआ है और सारी दुनिया इस बात की सराहना कर रही है।
इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूँ लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए। मैं तो अपने निशिकांत जी को हार्दिक शुभकामनाएं केवल देने के लिए चाहे प्रधानमंत्री चाहे हम चाहे कोई भी, जब कभी कोई मुद्दा गंभीर मुद्दा संसद में पेश होता है यदि तलाश किसी सांसद की की जाती है तो आपका सांसद है निशिकांत। अपनी बातों को संसद के सामने रख सकते, इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं आप बिल्कुल भरपूर सहयोग कितना आज तक नहीं किया है रिकॉर्ड टूटना चाहिए मेरे भाई। और मैं आज इस बाबा की धरती पर यह भी कहकर जा रहा हूं, मैं बाबा की धरती पर यह कहकर जा रहा हूं यदि निशिकांत जीत गए और आपने सारे रिकॉर्ड अब तक के देवघर के तोड़ दिए तो यकीन रखिएगा मंत्री मैं निशिकांत से कहूंगा दो चार छह आठ दस महीने के बाद एक बार मुझे फिर से इस बाबा की धरती पर ले बाबा की धरती पर मैं आता तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा बल्कि एक बार शीश झुका कर इस देवघर की जनता का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा।